हाय एवरीवन, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट्स हो, फैशन डिज़ाइनर्स हो, हम कोई भी ये टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते. बट अक्सर हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाना ही भूल जाते हैं. इसीलिए विद ग्रो चैनल हमारा एम ये है कि हम आपको पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की सारी नॉलेज एकदम सिंपल वे में डिलीवर करें. आज के इस वायरल रिएक्ट एडिशन में हम आपको नवल रविकांत का एक बहुत ही पॉपुलर ट्विटर थ्रेड हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ये ट्विटर थ्रेड से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एज वेल एज बिजनेस. नवल रविकांत एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है. वो एक इन्वेस्टर भी है और एक बहुत ही जाने माने स्टार्टअप एंजल लिस्ट के फाउंडर, चेयरमैन और फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं. तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं. ये ट्विटर थ्रेड में लगभग 30 ट्वीट्स है और हर ट्वीट एक बहुत ही डीप और इंसाइटफुल मैसेज हमें देता है. सबसे पहले ट्वीट में नवल रविकांत जी ने हमें ये एक्सप्लेन किया है कि वेल्थ, मनी और स्टेटस का असली मीनिंग क्या है. वो कहते हैं कि वेल्थ का असली मीनिंग ये है कि हमारे पास ऐसे एसेट्स हो जो हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सके. फिर वो कहते हैं कि मनी इज़ जस्ट अ मीडियम जिसके द्वारा हम ये वेल्थ या फिर टाइम ट्रांसफ़र कर सके. और लास्ट स्टेटस सोसाइटी में हमारी हायरार्किकल पोजीशन बताती है कि हम सोसाइटी में अगर सारे लोग हैं तो वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड. फिर वो कहते हैं हमें कि हमें ये स्टेटस या फिर मनी के पीछे नहीं भागना चाहिए. वी शुड एक्चुअली स्ट्राइव एंड रन बिहाइंड गेटिंग और अक्यूमुलेटिंग वेल्थ. इसके बाद नवल बिजनेस, करियर और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं. वो ये कहते हैं कि हमें हमारा बिजनेस या करियर उस इंडस्ट्री में बनाना चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत अच्छा हो. हमें ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिसे वो इंडस्ट्री में वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ दिखे और हमें उनके साथ काम करके अपना बिजनेस या करियर आगे बढ़ाना चाहिए. इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेट की वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है, लेकिन अधिकतर लोगों को अभी भी उनका फ़ायदा उठाना नहीं आ रहा है. इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह लागू होती है, जैसे कि इन्वेस्टिंग, करियर, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा. इसीलिए हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी उठाना चाहिए. बट फिर आप सोच रहे होंगे कि नॉलेज और कंपाउंडिंग का क्या रिलेशन है. वेल, जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे होते हो आप उसमें जितना ज़्यादा डीप डाइव करेंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में जानेंगे, उतना आपका बेस बढ़ता जाएगा. और अगली बार आप जब उसके बारे में और सीखते हो आपकी जो नॉलेज है इस बढ़ते बेस पे ऐड होती जाएगी. फिर अगले ट्वीट में वो बिजनेस पार्टनर के बारे में बताते हैं. अगर बात बिजनेस पार्टनर चुनने की आती हो तो हमें सिर्फ ऐसे लोगों को पार्टनर बनाना चाहिए जो एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट तो हो ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑनेस्ट हो. ऐसे लोग जो मोटिवेटेड नहीं रहते, ये चीज़ों को लेकर नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए. इसके बाद नवल बात करते हैं स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में. अगर हम कोई चीज़ बिल्ड कर सके, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस, और फिर ये सारी चीज़ों को हमें बेचना भी आए, तो फिर हमें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता. वो हमें ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ यू नो गोइंग इन एन इंडस्ट्री जो भी बहुत हॉट या ट्रेंडिंग हो, हमें वो इंडस्ट्रीज चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी हो और हम नेचुरली उसके बारे में बहुत पैशनेट हो. इससे हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा उसमें और हम ईजीली एक्सपर्ट बन सकते हैं बिकॉज हम उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, हम बहुत टाइम इन्वेस्ट करेंगे और हमें उसमें मज़ा आएगा. और इसीलिए वो हमारा जो नॉलेज है इंडस्ट्री में कंपाउंड होता रहेगा. स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ साल ज़रूर लगेंगे, क्योंकि टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही आप अपने बिहेवियर कंट्रोल करना और सही डिसीजन लेना सीखेंगे. ये चीज़ें आप कोई बुक से नहीं सीख सकते. इसके बाद के ट्वीट्स में नवल हमें ये बताते हैं कि अगर हमें कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी लाइफ स्किल्स और इम्पॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स स्कूल हमें कभी सिखा ही नहीं सकता. वो फिर ये भी बोलते हैं कि हमें वो इंडस्ट्रीज चूज़ करनी चाहिए या वो काम चूज़ करना चाहिए जो हाईली टेक्निकल हो और या फिर हाईली क्रिएटिव हो, क्योंकि ऐसे काम ईजीली ऑटोमेट नहीं हो सकते या फिर आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. फिर वो कहते हैं कि स्किल्स डेवलप करने के साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्शंस के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो.
इसके अलावा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होगी, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर पाओगे। अक्सर सक्सेसफुल लोग अपने एक्शंस और रिस्क की फुल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसके लिए सोसाइटी उन्हें ज़रूर रिवॉर्ड करती है। इसके बाद वाले ट्वीट्स में नवल रविकांत जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। वो ये कहते हैं हमें कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस होता है और अगर हमें वो बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना हो, देन आर बिजनेस शुड हैव लेवरेजिंग पावर। समझते हैं अभी ये लेवरेजिंग पावर का एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक बिजनेस की लेवरेजिंग पावर या तो उसके कैपिटल, उसके लेबर या उसके प्रोडक्ट्स के थ्रू बनती है। बट कैपिटल और लेबर ऐसे लेवरेज है जिसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोड करना जानते हो या कंटेंट प्रोड्यूस करना जानते हो तो आप खुद के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर या मीडिया बना सकते हो जो आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम देती रहेगी। आखिर में नवल हमें ये बताते हैं कि आज इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हमको एकदम स्मार्ट होके अपना टाइम वाइजली यूटिलाइज करना चाहिए और इंटरनेट पे अपनी स्किल्स डेवलप करने पे टाइम डिवोट करना चाहिए। वो हमें ये बताते हैं कि अगर हमें कोडिंग करना नहीं आता हो या हम कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हम कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप बुक्स या ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप वीडियोज या पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बस आपको एक्शन लेना होगा। रियल वर्ल्ड में बिजनेस जैसी कोई स्किल नहीं है, इसीलिए आप कोई थियोरेटिकल क्लास में या बुक पढ़ के वो सीख नहीं सकते। आपको ऑन ग्राउंड जाना होगा, एक्शन लेना होगा, रिस्क लेने होंगे और एक्सपीरियंस के साथ ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना सीखेंगे। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर नवल रविकांत के इस ट्वीट थ्रेड से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से आपका फेवरेट लर्निंग कौन सा था। और जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। हमने आपके लिए एक नया चैनल खोला है, ट्रेडिंग विद ग्रो। ये चैनल पे हम ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स के बारे में एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं। इसमें हम चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको ट्रेडर बनने में ये ज़रूर हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स और इन्वेस्टिंग के बारे में सारी नॉलेज आपको ग्रो के इस चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.